नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं समाजशास्त्र के कुछ एक अध्याय के बारे में बताऊंगा आपको। इकाई 6 है जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इस अभ्यास के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कापी में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो शुरू करेंगे मैं प्रश्नावली से, बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। सामाजिक संस्थाओं का अर्थ है, तो सामाजिक संस्था का अर्थ है कार्य करने का निश्चित ढंग। और अगला है सामाजिक संस्था का विशेषता है, तो सामाजिक संस्था का विशेषता अमूर्त प्रकृति है। सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं संस्था कहते हैं। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मर्टन ने। मर्टन एक व्यक्ति का नाम है। वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो एकांकी परिवार है जो कि मतलब अन्य राज्यों में पाए जाते हैं, अपने भारत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाए जाते एकांकी परिवार। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो संयुक्त परिवार का है, नातेदारी का स्वरूप है, रक्त संबंधी नातेदारी का स्वरूप है। नातेदारी की श्रेणी है द्वितीयक श्रेणी। मानव शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है शिक्षा द्वारा। मानव शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा द्वारा निभाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। यह अति लघुत्तरी प्रश्न कौन सा है? परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार किसे कहते हैं आप लोग लिखिए, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं। परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र पुत्री आदि सदस्य सम्मिलित हैं और जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। परंतु परिवार का यह रूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है। इसी पश्चात अन्य देशों में परिवार का तात्पर्य माता पिता और उनके विवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा परिवार आपको भारत में ही पाए जाते हैं, एकांकी परिवार अन्य देशों में पाए जाते हैं, भारतवर्ष में कम पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर एकांकी परिवार भी दिया गया है। एकांकी परिवार से क्या आशय है? तो इसको आपको मैं बता दूं, उस परिवार को एकांकी परिवार कहते हैं जिसमें केवल पति पत्नी तथा उसके विवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। आधुनिक नगरी समाज में हमारे देश में एकांकी परिवार का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एकांकी परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है अपने देश में। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है संयुक्त परिवार से क्या आशय है? तो संयुक्त परिवार से क्या आशय है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसका मतलब एक ही है। तो इसका आंसर होगा पारस्परिक भारतीय परिवार को संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, अर्थात इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बहुएं तथा पौत्र प्रपौत्र आदि एक साथ रहते हैं। हमारे देश में आज भी ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार देखा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है लास्ट है, पूंजीवादी से क्या विशेषता है, विशेषता है बताइए। तो पूंजीवादी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, तो मैं अभी आपको एक एक कर बता देता हूँ। दो लिखा गया है। तो पहला है पूंजीवादी में निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। निजी संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो, उस पर निजी अधिकार होता है, उसे छीनने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है पूंजीवादी में प्रतिस्पर्धा प्रमुख संस्था है, श्रमिकों, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए और उसका आप लोग को जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।